जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 25 मार्च है और कल शाम 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को दूसरी बार संबोधित किया है कोरोना के इस लड़ाई में। तो 3 हफ्ते का लॉकडाउन हो गया है पूरे के पूरे भारत में। सो कोरोना अभी एकदम गंभीर समस्या है, इसको आप हल्के में मत लीजिए। लॉकडाउन का आप जो है पालन कीजिए, खुद सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखने का प्रयास कीजिए, एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाइए। सो स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। आज ये मेरा है लेक्चर नंबर 3 EIM का। लास्ट क्लास में जैसे हम लोग देखे थे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, उसी कड़ी में नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग देखेंगे फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। सो लेट अस सी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट आया था, उसके बाद इलेक्ट्रिकल आया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स अभी चल रहा है मार्केट में। मार्केट का नीड है इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन वगैरह सब में इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज होता है। सो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल से। द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट यूज बाई मैनकाइंड वेयर मैकेनिकल इन नेचर। उसकी प्रकृति मीन्स क्या थी? मैकेनिकल थी, यांत्रिक। जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने यूज किया, मैनकाइंड ने यूज किया, मनुष्य ने यूज किया। इट इज वेरी रिलेबल फॉर स्टेटिक एंड स्टेबल कंडीशन। स्टेटिक मतलब स्थिर और स्टेबल मतलब ऐसा चीज जो दूसरे के सापेक्ष चेंज ना हो, दूसरे के सापेक्ष जिसका परिवर्तन ना हो, उसको बोलेंगे हम लोग स्टेबल। तो ये स्टैटिक और स्टेबल कंडीशन के लिए बहुत रिलेबल होता है, ठीक है। अनेबल टू रिस्पॉन्ड क्विकली, बट इसका एक डिसएडवांटेज क्या है? क्विक रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है ये। हम लोग जैसे मेजर करेंगे तो एकदम तुरंत रिस्पॉन्स नहीं देगा। अनेबल टू रिस्पॉन्स क्विकली, क्विकली रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। इट हैज मूविंग पार्ट, इसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं जो कि रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब होता है कड़ा। हैवी होते हैं, हैवी मतलब होता है भारी, एंड हैव लार्ज मास, और उसका द्रव्यमान भी क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं जो इसके डिसएडवांटेज भी हैं और एडवांटेज भी हैं, दोनों बोल सकते हैं। रिजिड है, ये कड़ा हो जाएगा, हैवी है, बहुत भारी है, लार्ज मास, मास ज़्यादा है, उसका द्रव्यमान ज़्यादा है। ये पोटेंशियल सोर्स ऑफ नॉइस है, इसमें नॉइस ज़्यादा जनरेट होगा, आवाज़ करेगा, तो उसके कारण ये नॉइस पोल्यूशन होता है। इन मशीनों के कारण नॉइस पोल्यूशन होगा, इन यंत्रों के कारण नॉइस पोल्यूशन होगा। ये इसके करेक्टरिस्टिक देखते जाओ। एग्जाम्पल में मैं लूँ, छोटा एग्जाम्पल इसका है वर्नियर स्केल, यूज होता था वर्नियर स्केल। प्रेशर गेज आपका इंडस्ट्रीज में यूज होता है। मैं केवल दो एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग को भी कमेंट बॉक्स में एग्जाम्पल इसके आंसर देने। तो जैसा कि मैं लास्ट क्लास में पूछा था, एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, दो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, दो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट्स और आपका है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो कमेंट बॉक्स में बहुत सारे ने आंसर दिया, जिसमें है शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह ने जो आंसर दिया था वो क्या है? दो जगहों पे आंसर दिया था, दो बार ब्रेक करके। तो आप लोग को दो बार ब्रेक करके आंसर नहीं देना है, आपको एक साथ आंसर देना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद ईश्वरचंद ने आंसर दिया है, प्रवीण गुप्ता, गौरव वर्मा, रेशमा, सीमा है, अंजलि है, विशाल चौरसिया है, अशोक तिवारी है। अंजलि मौर्या ने भी दो बार ब्रेक कर करके आंसर दिया है। दो दो बार कमेंट ना करें, कोशिश करें कि एक साथ एक पूरा पूरा आंसर को अरेंज करके आप जो है कमेंट कर सकते हैं। वैष्णवी मौर्या ने भी दो बार आंसर दिया है, और देश गुप्ता ने भी वही जो है मेन गलती किया है। रामसूरत है, रामसूरत का आंसर गलत था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया है कि कंपोनेंट क्या होता है और डिवाइस क्या होता है। तो डिवाइस है, ये यंत्र है, ये कंपोनेंट नहीं है। कई लोगों ने रजिस्टर का भी आंसर दिया है। दुर्गेश चौहान ने वही गलती की, दो जगह में आंसर दिया है। मंजू निषाद ने भी दो जगह में आंसर दिया है। सात्विक राय आपने भी बहुत अच्छा आंसर दिया है। एक टीम, क्या नाम है, टीम करके है ये आपका, इन्होंने कमेंट किया है, नाइस वीडियो, कीप इट अप, ओके, थैंक यू वेरी मच। और अगेन इन्होंने कमेंट किया है, नाइस वीडियो, आई लव इट। और इस टाइप का बहुत सारे आंसर्स हैं। अजय कुमार ने गलत आंसर दिया, उन्होंने बोला मतलब रजिस्टर का आंसर दिया, रजिस्टर जो है कंपोनेंट होता है, डिवाइस नहीं है। श्याम तिवारी ने भी आंसर दिया। तो इस हिसाब से बहुत लोगों ने आंसर दिया, मतलब आप लोग को क्वेश्चन, आप लोग क्लास समझ में आ रही है, ये जो है पता चल रहा है। ओके, ऐसी चैनल के साथ बने रहिए और आंसर देते रहिए। तो हम लोग देखते हैं ये मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देखा। तो इस प्रॉपर्टीज को अरेंज करके आपको अपने परिवेश में देखना है कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। लेट्स सी द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। सो सेकेंड हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, इट इज अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य है। क्या चीज का दुर्भाग्य है? दैट एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम नॉर्मली डिपेंड्स अपॉन मैकेनिकल मीटर मूवमेंट्स एज इंडिकेटिंग डिवाइस। इंडिकेट करेगा, इंडिकेटिंग डिवाइस इंडिकेटर के रूप में काम करेगा। इंडिकेटर के रूप में कौन काम करेगा बोल रहा है? इंडिकेटर के रूप में मैकेनिकल मीटर मूवमेंट इसमें क्या कर रहा है, उपयोग किया जाता है।
इट इज जस्ट लाइक इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, और ये सुने होंगे थर्ड वन मीन्स कंडक्टर सुने होंगे, तो ये बीच क्या है, इलेक्ट्रिकल बीच में है। मैकेनिकल फर्स्ट आया, इलेक्ट्रिकल आया, देन इलेक्ट्रॉनिक्स आया, तो ये इससे कुछ मीन्स प्रभावित है। इसका कुछ चीज़ें हम लोग उपयोग करेंगे इलेक्ट्रिकल में, किस चीज़ का उपयोग करेंगे, मैकेनिकल मीटर मूवमेंट का मतलब उपयोग करेंगे इंडिकेटिंग डिवाइस के लिए, इंडिकेटर के लिए, जो इंडिकेट करेगा आउटपुट को इंडिकेट करेगा। दिस मूवमेंट हैज सम इनर्सिया, इनर्सिया मतलब क्या होता है, एक फिजिकल पावर होता है जो किसी चीज को दिशा दे सकता है या स्थिर रख सकता है। इनर्सिया में अगर मैं नॉर्मली अगर बोलूँ इसको सेंटेंस में, तो ये एक फिजिकल पावर होता है जो किसी चीज को दिशा दे सकता है, मीन्स गतिमान बनाए रखता है या फिर स्थिर रख सकता है। सो इनर्सिया प्रॉब्लम होता है एंड देयरफॉर दिस इंस्ट्रूमेंट मीन्स इनर्सिया होता है एंड देयरफॉर दिस इंस्ट्रूमेंट्स हैव लिमिटेड टाइम रिस्पॉन्स, तो इसका जो टाइम रिस्पॉन्स होगा वो लिमिटेड होगा। लिमिटेड टाइम रिस्पॉन्स मतलब क्या है इसका, लिमिटेड टाइम रिस्पॉन्स मतलब कुछ टाइम के बाद ये रिस्पॉन्स करेगा। तो अगर मैं रेंज देखूं तो ये रेंज नॉर्मली होता है 0.5 सेकंड से लेकर के 24 सेकंड तक, ये इसका रिस्पांस का रेंज है। बट आज का जो दौड़ती भागती जिंदगी है, फास्ट रिस्पॉन्सेस, हर कोई फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए, फास्ट चाहिए, हर में फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए। सो दीज आर स्लो फॉर प्रेजेंट डे रिक्वायरमेंट, वर्तमान की परिस्थितियों के हिसाब से इसका जो रिस्पॉन्स है वो फास्ट नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट हमको क्या चाहिए, फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए। सो इसके एग्जांपल में अगर देखूं तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है, इंडिकेटर के रूप में यूज मतलब यूज़ होता है, तुम्हारा नीडल की यूज़ होता है और सुई का यूज़ होता है और क्यूमीटर ये एट्सेट्रा। तो इन सब का तो आप लोग को सोचना है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो मैकेनिकल मीटर मूवमेंट का काम मीन्स उपयोग करता है और इलेक्ट्रिकल डिवाइस आपको लगता है आपके परिवेश में, इसका भी आपको एक कमेंट में एक डिवाइस का नाम लिखना है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एग्जाम्पल देना है आपको, ठीक है। तो प्रेजेंट डे रिक्वायरमेंट के साथ ये कॉप अप नहीं कर पाया, तो मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, तो प्रेजेंट डे रिक्वायरमेंट के साथ कौन कॉप अप करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉप अप करेगा। सो लेट अस सी द इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट थर्ड अपन है, इलेक्ट्रिकल के बाद इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रिकल में जो भी एग्जाम्पल्स हैं, अमीटर वोल्टमीटर भी ले सकते हैं जिसमें डीडल लगा होता है, ओके उसके साथ में। सो दिस डे मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीज रिक्वायर वेरी फास्ट रिस्पॉन्स, जो भी आजकल साइंटिफिक और इंडस्ट्रीज है उसमें फास्ट रिस्पॉन्स की जरूरत होती है, फास्ट रिस्पॉन्स नहीं जरूरत हो रही है, वेरी फास्ट रिस्पॉन्स। तो वेरी फास्ट रिस्पॉन्स कौन से रेंज में बोलना चाहिए, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड में चाहिए चीज़ें, सडन चाहिए चीज़ें आजकल जो है। तो ये रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करता है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। उसके लिए ये क्या यूज़ करता है, सेमीकंडक्टर, इसके लिए आपको फेवरेबल है इसको, यूज़ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस फॉर गेटिंग फास्ट रिस्पॉन्स। दे आर लाइट इन वेट, इसका वेट एकदम क्या रहेगा, हल्का रहेगा। हाई डिग्री ऑफ रिलेबिलिटी, रिलेबल होता है ये, ठीक है। एंड दे आर पावर कंजप्शन इज लो, कम पावर लेता है, ओके। पूरा का पूरा आपका परिवेश जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट से भरा हुआ है, इसमें एग्जाम्पल देने की जरूरत ही नहीं है। इट इज पॉसिबल टू बिल्ड कंप्यूटर, कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के चलते ही हम लोग कंप्यूटर का निर्माण कर पाए। और कंप्यूटर तो अपने आप में एक जो है आपको पता ही है कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के बिना आजकल सोचा जो है सोचा नहीं जा सकता है, कंप्यूटर इज एवरीथिंग, सब काम कंप्यूटर से ही हो रहे हैं आजकल, ओके। सो एग्जाम्पल इसका बोलूँ तो DSO, डिजिटल सिग्नल ऑसिलोस्कोप, डिजिटल वोल्टमीटर एटसेट्रा, और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप तो पूरा कोर्स में पढ़ोगे ही, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। कम्युनिकेशन की बात आया जो, तो स्पेस कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन, टोटल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से भरा है। मतलब कम्युनिकेशन को बोलो तो लाइन कम्युनिकेशन है उसमें, वायरलेस कम्युनिकेशन है, लाइन कम्युनिकेशन जिसमें तार यूज होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन जिसमें वायर यूज नहीं होता है, फिर उसके अपने इंटरटेनमेंट वगैरह हैं, सब में टोटल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट ही यूज हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट इतना ज्यादा फेमस कैसे हुआ, उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सो लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के। सो लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। सो द फर्स्ट वन इज हायर सेंसिटिविटी, सेंसिटिव मतलब तुरंत एक्शन देना, सेंसिटिव, ओके सेंसिटिव बोलते हैं ना, मतलब जैसे किसी को थप्पड़ मारा तो ये मतलब सेंसिटिविटी, मतलब तुरंत उसका जो ये फेस है उधर चला गया, तो ये तो इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी,
तो हायर सेंसिटिविटी, ये सेंसिटिव होता है, कोई भी चेंज करेंगे तो तुरंत उसका रिजल्ट क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। ओके, फास्ट रिस्पांस, जैसे कि मैंने बोला था, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड में इसका रिस्पांस रहेगा, वेरी फास्ट रिस्पांस, फास्ट रिस्पांस नहीं। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन, जैसे पाए वैसे इसको उपयोग कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं इसमें। लाइट वेट, वेट इसका कम होता है, लाइट वेट। ओके, लोअर पावर कंजप्शन, कम पावर लेता है। ओके, हायर डिग्री ऑफ रिलेबिलिटी, रिलेबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, इसको विश्वास किया जा सकता है, हायर डिग्री ऑफ रिलेबिलिटी। पोर्टेबल, साइज इसका पोर्टेबल हो, जैसे लैपटॉप है तो पोर्टेबल हो गया, पहले कंप्यूटर सिस्टम था अब लैपटॉप हो गया, सब पोर्टेबल हो गया चीज़ें पूरा, ठीक है, पोर्टेबल। लेस नॉइसी, नॉइस कम करेगा ये, उतना ज़्यादा नॉइस क्रिएट नहीं करेगा, नॉइस पोल्यूशन की चांसेस ना के बराबर हैं। हायर लाइफ टाइम, लाइफ टाइम मतलब कोई भी चीज़ कितना समय तक जो है रह सकता है, तो इसका लाइफ टाइम क्या है, हायर है इस कंपोनेंट का, जो सेमीकंडक्टर से बनते हैं उनके कंपोनेंट का लाइफ टाइम क्या है, हायर लाइफ टाइम है। तो ये कुछ उसके करेक्टरिस्टिक हैं, और करेक्टरिस्टिक आप लिख सकते हैं लिखने को, ये नौ करेक्टरिस्टिक मैंने नोट डाउन कराया आपको। तो ये जो है मैकेनिकल देखा हमने, इलेक्ट्रिकल देखा, इलेक्ट्रॉनिक्स देखा, और इलेक्ट्रॉनिक्स के मेन जो है मेन करेक्टरिस्टिक देखा, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर द इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट इन मॉडर्न एज, अभी मॉडर्न एज में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कर रहे हैं, और यही आपके सब्जेक्ट का नाम है। तो नेक्स्ट से हम लोग देखेंगे मेजरमेंट के करेक्टरिस्टिक्स, मेजरमेंट के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम लोग अध्ययन करेंगे, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, फिर रिजोल्यूशन है, रेंज है, स्पेन है, और एरर के बारे में फिर देखेंगे। ओके, तो बने रहिए क्लास के साथ, और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट, आराम से कॉन्सेप्ट को पढ़िए और उसके बाद सही आंसर दीजिए। ओके, सो तब तक के लिए सुरक्षित रहें, धन्यवाद सभी का।